स्टूडेंट्स, बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू कर रखी थी 12th क्लास में और हम कर चुके हैं डाइपोल। इसके बाद में डाइपोल भी हो चुका और डाइपोल में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल कर लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल कर लिया। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। नया टॉपिक है बेटा हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, चलो मान लो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन ये है अपवर्ड। ठीक है बेटा, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विडिस्टेंट हैं, पैरेलल हैं, तो ये किसको दिखा रही है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रही है। इक्विडिस्टेंट पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको दिखा रही है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। अब एक डाइपोल मान लेते हैं हम, ये हमारे पास क्या हो गया, एक डाइपोल हो गया। ठीक है, यहाँ ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, इस पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज मान लो और इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज मान लो। इक्वल एंड अपोजिट होता है ना बेटा। ठीक है, अब ये डाइपोल ने मान लिया यहाँ पे एंगल कितना बनाया हुआ है, थीटा एंगल बनाया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे थीटा एंगल बना हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एंगल थीटा होगा ना। ठीक है, चलो ये परपेंडिकुलर डाल दिया भाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर AC। ठीक है ना, ये AC हमने क्या डाल दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया भाई। अब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 2A है बेटा। ये कितनी डिस्टेंस है, 2A। ठीक है ना, डाइपोल की डिस्टेंस कितनी है, 2A। चलो कैसे लिखोगे, यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, देखो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू टू ए। ठीक है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू टू ए। ठीक है, placed in a uniform electric field E making an angle theta with the electric field। ठीक है, तो भाई ये कहाँ पे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए में रखा है, यूनिफॉर्म है जो, और इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, थीटा एंगल बनाया हुआ है। इसने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा ये जो थीटा एंगल बना रखा है इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है ना, चलो अब आगे एसी इज द perpendicular distance to the electric field। okay बेटा, अब एक बार ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। चलो अब ये तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी और ये क्या लगेगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा, ये जो है देखो इस पे इस तरफ जा रहा है और इस पे इस तरफ, तो ये जो डाइपोल को क्या कर देगा, कपल बन गई है, कपल बनने के बाद डाइपोल को क्या कर देगा, ये रोटेट कर देगी, फोर्स ये उस तरफ जा रही है ये नीचे, तो ये डाइपोल क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। चलो नाउ वी गेट दैट देयर विल बी फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना बेटा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे तो जो फोर्स लगेगी क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पे क्या लग जाएगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ड्यू टू दिस, इसके कारण देयर विल बी ए कपल ऑफ फोर्स, तो इसके कारण एक फोर्स का क्या बनेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं, कपल कहते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, उसको क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। तो यहां पे एक कपल बन गया, कपल ऑफ फोर्स, ठीक है ना, विच विल रोटेट दी डाइपोल, तो वो डाइपोल को क्या करेगा, रोटेट करेगा। हम कह सकते हैं डाइपोल पे क्या लगेगी, टॉर्क लगेगी, अगर रोटेट कर रहा है तो डाइपोल पे क्या लगेगी, टॉर्क लगेगी। और वी कैन से देयर विल बी सम टॉर्क ऑन दी डाइपोल, तो हम कह सकते हैं कि डाइपोल के ऊपर क्या है, टॉर्क है। हरियाणा बोर्ड में कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बेटा, सीबीएसई बोर्ड में भी आ जाता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई क्या है, टॉर्क के, डाइपोल के ऊपर क्या लगी है, टॉर्क लगी है। अब वो टॉर्क निकालना है, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे भाई, नाउ टॉर्क ऑन द डाइपोल टाउ इज इक्वल टू क्या होगा भाई, फोर्स इंटू, टॉर्क को टाउ से दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो टाउ हमारे पास क्या हो गया, फोर्स कितनी है, क्यू इंटू ई, ठीक है ना, फोर्स यहां पे कितनी होगी, Q चार्ज हो गया और E इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो फोर्स कितनी होगी, Q इंटू ई, ठीक है ना, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई होता है, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या है, AC। अब AC की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम ट्राइंगल ABC,
ट्राइंगल एबीसी से एसी इज इक्वल टू, एबीसी से एसी की वैल्यू निकालनी है भाई, फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी बाई एबी लगा लो, जैसे यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा, तो एसी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एबी साइन थीटा, और एबी की वैल्यू कितनी है 2a, एबी की वैल्यू कितनी है 2a है, तो इसका मतलब एसी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2a साइन थीटा। ठीक है, इक्वेशन वन मान लो इसको, इसको इक्वेशन टू मान लो, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, देखो क्या मिलेगा हमें इक्वेशन वन और टू से, टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू टू ए साइन थीटा। ठीक है, अब क्यू इंटू टू ए किसके इक्वल होता है, क्यू इंटू टू ए पी के इक्वल है भाई, ये जो क्यू इंटू टू ए है ये किसके इक्वल है, इस पी के इक्वल है। ठीक है, पुट कर दो, विच इंप्लाइज टाओ इज इक्वल टू हमारे पास आ गया पी ई साइन थीटा। ठीक है भाई, तो टॉर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ई साइन थीटा के इक्वल, या हम कह सकते हैं टॉर्क हमारे पास क्या आ गया, पी क्रॉस ई के इक्वल आ गया भाई। ठीक है, सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट दी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना बेटा, तो टॉर्क हमारे पास जो होगा वो पी क्रॉस ई आया, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लेन के जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती ना, वो इस तरफ है, तो जो टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन या परपेंडिकुलर टू द कॉपी आउटवर्ड टुवर्ड्स द रीडर हमारी तरफ हो जाएगा ना, तो आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था टॉर्क, दोबारा देख लो, देखो हमने एक ए बी क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, उसको हमने क्या रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो मान लिया भाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, अब देखो, अब अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है ना डाइपोल के ऊपर, जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे कहाँ लगेगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाएंगे, कपल बन जाएगा, ये कपल इस डायपोल को क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो अगर ये कपल रोटेट करेगा तो इस पर क्या लगेगी, टॉर्क लगेगी, वो टॉर्क हमें निकालनी है। ठीक है बेटा, अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो q इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एसी, q इंटू एसी, एसी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, क्या आई, ए बी साइन थीटा, ए बी की वैल्यू कितनी है, 2a है, तो पुट कर दिया QE इंटू टू ए साइन थीटा, q इंटू टू ए किसके इक्वल होता है, p के इक्वल होता है, वो हमने यहाँ पे फिर पुट कर दिया, तो टॉ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, पी ई साइन थीटा आ गया। ठीक है, पी ई साइन थीटा का मतलब टॉ इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, पी क्रॉस ई है, तो इसका मतलब यहाँ से राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकाल लेंगे, तो डायरेक्शन क्या आएगी, आउट ऑफ द पेपर आएगी, आउट ऑफ द बोर्ड आएगी। ठीक है ना, तो ये हो गया भाई अब हमारे पास, अब इसके स्पेशल केस है बेटा, वो करते हैं, पास आया टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, तो स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस नंबर वन, अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री है, मतलब पी एंड ई हैव सेम डायरेक्शन, तो टॉर्क क्या होगा, पी ई साइन जीरो, तो टॉर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, टॉर्क क्या आ जाएगा, साइन जीरो क्या आ जाएगा, जीरो,
तो उसके ऊपर टॉर्क कोई नहीं होगा, इसको हम क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सेकंड केस, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, ठीक है, तो पी एंड ई आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो पी और ई क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, तो टॉर्क तो फिर भी जीरो है, टॉर्क जीरो है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम सब मैंने एक लेक्चर में करवा दिया था ये सारा का सारा। तो ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। थर्ड जो है हमारा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम होगा। टाओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। देयर विल बी मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है बेटा, तो ये इसके कुछ स्पेशल केस थे। तो ये तो बात चल रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या होगा भाई, ये भी देख लो। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या होगा, मान लो जैसे हमारे पास डाइपोल है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये सेंटर हो गया इसका। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इस पे जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मान लो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास ये है, ठीक है ना, और नॉन यूनिफॉर्म है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बढ़ रही है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस टुवार्ड्स बी, तो बी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इस तरफ फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम फोर्स इस तरफ होगी, या हम कह सकते हैं इस तरफ फोर्स क्या होगी, इंक्रीजेस, फोर्स इंक्रीजेस, ठीक है ना, और इस तरफ फोर्स क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, नेगेटिव अवे लगेगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो पॉजिटिव पे तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगी और नेगेटिव पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो इस तरफ फोर्स क्या है, डिक्रीज कर जाएगी, फोर्स क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, तो ओवरऑल जो फोर्स है वो इंक्रीज करेगी, किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, ठीक है ना, ठीक है, मतलब पी वाली डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव किसकी डायरेक्शन होती है, पी की डायरेक्शन होती है ना, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो हम कहेंगे कि भाई जो फोर्स है वो इंक्रीज करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, फोर्स विल बी इंक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, और अगर इनमें जैसे एंगल कितना है, जीरो डिग्री, तो टॉर्क क्या होगा, जीरो, टॉर्क है जीरो होगा। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, अगर बेटा यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो फोर्स इस पे क्या होनी थी, जीरो होनी थी, तो फोर्स, टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, केवल टॉर्क लगेगा,
टोटल फोर्स तो इक्विवेलेंट अपोजिट है, कैंसिल कर देंगे, टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो, लेकिन केवल क्या लगेगा, टॉर्क। और अगर फोर जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बी की साइड बढ़ रही है, इस तरह से हो जाएगा ना, बी की साइड बढ़ रही है, हम इस तरह लिख देंगे, इस तरह हो जाएगा, एक प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाएंगे तो ए की साइड तो क्या है, ये बी हो जाएगा, ये ए की तरह, ए की साइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ब्रॉड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ए की साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बी पे डेंसर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बी पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म, और ये इक्विडिस्टेंट जो दिखा रखी है, ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बी की तरफ ज़्यादा है तो ओवरऑल फोर्स किसकी तरफ लगेगी, बी वाली तरफ लगेगी, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट लगेगी, ठीक है। अगला केस है आपको, अगर डायरेक्शन जो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ए की तरफ ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, ठीक है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज, पी की डायरेक्शन भी क्या है, यही है, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज टुवार्ड्स ए, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कम, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज टुवार्ड्स ए, ए की तरफ इंक्रीज कर रही है, तो भाई यहाँ पे फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी, और यहाँ पे फोर्स क्या लगेगी, ज़्यादा, यहाँ पे फोर्स क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, फोर्स डिक्रीजेस, और यहाँ पे फोर्स क्या लगेगी, इंक्रीज कर जाएगी, ज़्यादा लगेगी, फोर्स इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, फोर्स विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के क्या हो जाएगी, फोर्स अपोजिट टू हो जाएगी भाई, ठीक है। सेकंड, टॉर्क इसमें भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि एंगल तो जीरो है ना, तो टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो, टॉर्क हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा भाई, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।